स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इंदौरा विधानसभा के इंद्रपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों को निराश नहीं किया। सीएम ने इंदौरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 1 जुलाई 2018 से कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों को 4% अंतरिम राहत की घोषणा की है। इससे सरकार के खजाने पर 260 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं जिन्हें केंद्र से पेंशन नहीं मिलती है उनकी पेंशन 500 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई है। पूर्व भूत सैनिकों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की सालाना आमदनी की मियाद पर 1 लाख से बढ़कर 17 लाख कर दी है। जंगली जानवरों के हमले से मरने वाले व्यक्तियों के परिवार वालों को अब 4 लाख मिलेंगे। जंगली जानवरों के हमले में दुधारू पशुओं के मरने पर पहले 10,000 मिलता था, अब 30,000 मिलेगा। इंदौरा, ज्वालामुखी और जयसिंहपुर में गौ सदन खोले जाएंगे। इंदौरा को मिनी सचिवालय का तोहफा दिया। सीएससी इंदौरा में बिस्तरों की संख्या बढ़ी, साथ ही यहाँ पर एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी लगेंगी। डमटाल को पुलिस थाना बनाने की घोषणा की। इंदौरा को पीडब्ल्यूडी डिवीजन की सौगात दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। उनका लक्ष्य है कि हिमाचल नशा मुक्त राज्य बने, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बगैर जन सहयोग के नशा मुक्ति हासिल नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि परिवार को ही सबसे पहले पता होता है कि कौन सा सदस्य नशा कर रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिसका आज तक दोहन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य स्थलों को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा, ये उनका सपना है। पहली बार हफ्ते में 3 बार सरकार की हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हेली टैक्सी सेवा के लिए किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश का जो भूतपूर्व सैनिक तथा उनके विधवाओं जिनको भारत सरकार से कोई पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें वर्तमान में हिमाचल सरकार द्वारा प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन के रूप में मात्र 500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि 500 प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके आने वाले समय में इसको 3000 कर दिया जाएगा। और लगभग 1.60 करोड़ की लागत इस पर भी पैसा हम इस पर खर्च करेंगे। और उसके साथ साथ में एक और बात, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सैन्य कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों व आश्रितों के लिए पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना विशेष निधि से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपए रखा गया है। और इस 3 लाख रुपए से इसको बढ़ा करके 7 लाख रुपए करने का हमने निर्णय लिया। और इस योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्तियां, पूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक कोर्सों हेतु छात्रवृत्तियां, सशस्त्र सेना में अधिकारी बनने के लिए साक्षात्कार की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 5000 पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश में जो है लाभान्वित होंगे। मैं उन सबको इस योजना के माध्यम से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तो लाभान्वित हो रहे हैं, उनको बधाई दे। और इसके साथ साथ में कर्मचारी अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हिमाचल के विकास के लिए, योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए। और उस दृष्टि से मुझे बहुत आवश्यक लगता है कि कर्मचारियों पेंशन को अंतरिम राहत की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी पेंशन को मेरी बजट घोषणा के अनुसार 1/7/2018 से 4% अंतरिम राहत प्रदान की जाएगी। ये भी मैं आज के सफल और इससे प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी तथा 1,20,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। और इससे कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को 260 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। ये भी मैं आज के इस शुभ अवसर पर उन कर्मचारियों की सेवाएं जो प्रदेश हित में दी जा रही है या जिनने अपनी सेवाएं दी हैं उनके लिए मुझे लगता है कि आज के दिन ये
जो है ये शुभ अवसर पर जो है ये देना उचित रहेगा। एक और बात